अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। दोस्तों, आपको वीडियो का टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री एनर्जी पर और देखेंगे कि फ्री एनर्जी बनाई जा सकती है या नहीं, फ्री एनर्जी रियल है या फेक है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ का पता लगाएंगे। तो दोस्तों, आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं जिसमें फ्री एनर्जी बनाई जाती है, तो चलिए हम भी पहले आपको फ्री एनर्जी बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्री एनर्जी रियल है या फेक है। तो दोस्तों, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि हमें फ्री एनर्जी बनाने के लिए इस तरीके की दो मोटर्स की ज़रूरत होती है। इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक जो मोटर है ये वाली, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और दूसरी मोटर को इसके साथ चलाएंगे। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको दोबारा इसके साथ चला देंगे और इस तरह ये सर्किट चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम फ्री एनर्जी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक इस तरीके का बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर इन दोनों मोटर्स को फिट कर देंगे और इस कनेक्टर की मदद से हम इन दोनों मोटर्स को जोड़ देंगे। अभी ये दोनों मोटर्स आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं फ्री एनर्जी बनाकर आपको ये LED भी ग्लो कर दिखाऊंगा। चलिए हम अपने वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और फ्री एनर्जी बनाते हैं। सबसे पहले मैं एल्फी की मदद से इस मोटर को इस बोर्ड के ऊपर जोड़ दूंगा ताकि जब रोटेशन हो ये अपनी जगह से हिले ना। इसी तरह दूसरी मोटर को भी मैं जोड़ दूंगा। चलें, अब हम इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये आपके बिल्कुल सामने है, मैं फ्री एनर्जी आपके सामने बना रहा हूँ। इन दोनों वायर्स पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसे हम दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा कर दूसरी मोटर को चलाएंगे और आपके सामने ये सर्किट चलेगा भी। इसके ऊपर मैं टेप लगा देता हूँ ताकि आपको रोटेशन दिखाई दे सके कि ये मोटर रोटेट हो रही है। ये आप इस तरीके की DC सप्लाई ले लेंगे जिससे आपको मोटर को एक दफ़ा बस रन करना होगा, उसके बाद आपकी फ्री एनर्जी बनेगी। मैं इसकी थोड़ी सी इंसुलेशन निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं अटैच किया, जिस तरह आपको दूसरी वीडियोस में दिखाया जाता है दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर। आप देख सकते हैं इधर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिंपली ये DC सप्लाई अटैच की और मोटर चलना स्टार्ट हो गई। अभी ये जो शॉक दोनों आपस में कनेक्ट हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी दूसरी मोटर में प्रोड्यूस होगी और इससे हम पहली मोटर को चलाएंगे। चलिए हम इस मीटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर 3 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलिए अब हम इस पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करते हैं और इस सप्लाई को निकाल देते हैं ताकि ये फ्रीली फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने सप्लाई को उतार दिया है, लेकिन ये मोटर अभी भी रोटेट कर रही है और फ्री एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ये देख सकते हैं आप, इधर कोई बैटरी अटैच नहीं है। चलिए मैं आपको ये LED ग्लो करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने LED ग्लो हो रही है, इधर आपके पास फ्री एनर्जी बन रही है। दोस्तों, मैंने आपके बिल्कुल सामने ये देखें फ्री एनर्जी बना दी है, इसमें कोई बैटरी नहीं मैंने अटैच की है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर कि फ्री एनर्जी रियल है या फेक है। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि फ्री एनर्जी फेक है, फ्री एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। आज तक किसी ने भी फ्री एनर्जी नहीं बनाई। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके सामने फ्री एनर्जी बनाई और मैं खुद ही ये कह रहा हूँ कि फ्री एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं और फेक वीडियोस बनाते हैं फ्री एनर्जी की। दोस्तों, आपको ये सामने दो मोटर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दोनों मोटर नहीं हैं। इनमें एक तो येलो वाली मोटर है, लेकिन ये जो आप रेड वाली देख रहे हैं इसमें एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट है जिसकी मदद से जो पहले वाली मोटर थी वो चल रही थी और LED की इसी मदद से ग्लो हो रही थी। चलिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये
चला कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी कोई किसी किस्म की सप्लाई नहीं इसको प्रोवाइड की स्टार्ट करने के लिए, फिर भी ये मोटर चल रही है। अभी आपको दोस्तों इस बात का पता चल गया होगा कि फ्री एनर्जी ये जो वीडियोस बनाते हैं ये सभी फेक होती हैं। अभी मैं आपको ये मोटर खोल कर भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से बैटरी फिट की जाती है। चलिए मैं आपके सामने ये रेड वाली मोटर ओपन करता हूँ और आपको इसके अंदरूनी मनाज़र दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके लॉक ओपन कर लेता हूँ इसको ओपन करने के लिए। अभी आप देखें इसके अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बैटरी फिट है और इसके अंदर कोई किसी किस्म की वाइंडिंग नहीं है। एक मोटर के अंदर बकायदा वाइंडिंग होती है उसमें, लेकिन इसके अंदर खाली एक शाफ्ट है और ये एक बैटरी लगी हुई है जिसकी मदद से दूसरी जो हमारे पास मोटर थी वो रन हो रही थी। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। इसमें बस सिंपल एक बैटरी लगी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि फ्री एनर्जी कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि फ्री एनर्जी की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सब फेक होती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।